नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृता द्विवेदी। मेरे किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आप सूजी से 15 मिनट के अंदर इडली कैसे तैयार कर लेंगे झटपट, ये आज हम आपको सिखाएंगे। सूजी के इडली बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आप यहाँ पर देखेंगे। 500 ग्राम मैंने सूजी ले लिया है, एक कटोरी मैंने दही ले लिया है, आधा चम्मच मैंने नमक ले लिया है, एक चम्मच मैंने इनो ले लिया है, दो चुटकी मीठा सोडा ले लिया है, एक ग्लास मैंने पानी ले लिया है। अब हम सूजी को फेंट लेंगे दही डाल के। नमक भी डाल देंगे, मीठा सोडा भी डाल देंगे, पानी भी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इनो हम लास्ट में डालेंगे जब बनाने लगेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने इतना गाढ़ा इसे फेंट लिया। इस तरीके से आप फेंट लेंगे, इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे इनो डालकर। 10 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया था, ये अच्छे से फूल गया है। अब हम इसमें इनो डाल देंगे। इनो डाल के इसे अच्छे से फेंट लेंगे, फिर उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने इडली का सांचा ले लिया है, घी लगा लिया है हल्का हल्का इसमें, इस तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने एक गिलास पानी ले लिया है इसमें, इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे और तुरंत बनाना शुरू करेंगे। ये अच्छे से फेंट गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इस तरीके से सारा डाल के हम रख देंगे इसमें। आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने सारा रख लिया है। अपन इसे 10 मिनट के लिए बंद करके गैस पर रख देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे, इडली हमारी अच्छे से फूल गई है। मैंने इसे 15 मिनट के लिए ढक करके गैस पर रख दिया था, अभी तैयार हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इडली हमारी बनके तैयार है। इस तरीके से आप इडली झटपट तैयार कर सकते हैं, सांभर और चटनी के साथ आप सर्व करें, बहुत टेस्टी लगती है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।